आज हम इस वीडियो में मैं हूँ ना मूवी के बिहाइंड द सीन्स देखने वाले हैं। मूवी थोड़ी पुरानी है लेकिन हमने इसे बचपन में काफी इंजॉय किया था और आज भी करते हैं। हो सकता है कि अभी आप ये वीडियो देख रहे हो और हमारे घर में किसी न किसी टीवी चैनल पर ये मूवी चल रही हो। तो चलिए देखते हैं कहाँ और कैसे इस मूवी की शूटिंग की गई थी। इस वीडियो को देखकर आपको बड़ा मजा आने वाला है, इसलिए इसे बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। मैं हूँ ना मूवी का बेस्ट कॉमेडी और मसाला वाला पार्ट मेंस कॉलेज लाइफ, एक ऐसी कॉलेज लाइफ जो देखने के बाद हर एक स्टूडेंट को लगता होगा कि अपनी भी लाइफ ऐसी ही हो। मूवी में दिखाया गया ये वाला ब्यूटीफुल कॉलेज कैंपस किसी दूसरी कंट्री का नहीं बल्कि अपने ही देश के वेस्ट बंगाल राज्य के दार्जिलिंग शहर का सेंट पॉल स्कूल है। इस मूवी का ज्यादातर हिस्सा इसी कॉलेज में शूट किया गया था और मेकर्स के रिक्वायरमेंट के अनुसार कॉलेज में कुछ छोटे मोटे सेट्स भी क्रिएट किए गए थे। रियलिटी में देखा जाए तो ये बॉयज स्पेशल स्कूल है, मतलब कि असल में स्कूल में लड़कियां बिल्कुल अलाउड नहीं हैं। लेकिन मूवी में हमें यहाँ पर लड़कों के साथ लड़कियां भी दिखाई गई हैं। यही नहीं बल्कि इनमें लव स्टोरी और रोमांस है। शाहरुख खान की मूवी है भाई साहब, कुछ भी हो सकता है, कहीं पर भी मोहब्बतें शुरू हो सकती हैं। फिल्म के एक्शन सीन्स, सॉन्ग्स, ड्रामा सब कुछ इसी स्कूल और वेस्ट बंगाल स्टेट के स्पेशल लोकेशन पर शूट किए गए थे। ये स्कूल 153 साल पुराना है और लगभग सी लेवल से 7,800 फीट ऊंचाई पर मौजूद है। दार्जिलिंग एक हिल स्टेशन है और इसकी इतनी ऊंचाई के कारण मूवी की टीम को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। वहाँ पर मूवी की शूटिंग सुबह 7 बजे शुरू हो जाती थी और दोपहर में 3:30 बजे बंद करनी पड़ती थी क्योंकि वहाँ सनसेट बहुत जल्दी होता था। मूवी में दिखाए गए ज्यादातर एक्शन सीन्स में शाहरुख खान खुद इन्वॉल्व थे। उन्होंने सच में मेजर राम का रोल बखूबी निभाया है। आपको SRK का ये वाला इंट्रोडक्शन सीन तो याद ही होगा जिसमें वो ऊपर से कांच तोड़कर नीचे आते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पूरे एक्शन सीन को परफॉर्म करते टाइम शाहरुख खान को सेफ्टी केबल से बांधा गया था। मूवी के एक्शन सीन्स एक्शन डायरेक्टर अलान अमीन द्वारा डिजाइन किए गए थे। उस टाइम आज की तरह हाई लेवल टेक्नोलॉजी मौजूद ना होते हुए भी सभी एक्शन सीन्स को शानदार बनाया गया था, जिसके लिए पूरी टीम को काफी मेहनत भी करनी पड़ी थी। छैया छैया और चले जैसे हवाएं, ये दो सॉन्ग फराह खान के करियर के बेस्ट सॉन्ग्स हैं। एज अ कोरियोग्राफर इन दो सॉन्ग्स के लिए फराह खान की सोच और कॉन्सेप्ट को सच में मानना पड़ेगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चले जैसे हवाएं इस सॉन्ग का पूरा एक लंबा चंक यानी कि एक बड़ा पार्ट सिर्फ एक ही टेक में शूट किया गया था। मतलब संजना की एंट्री से लेकर लक्की की एंट्री होने तक का ये पूरा वाला पार्ट बिना रुके, बिना कट और बिना एडिट किए कॉन्स्टेंटली शूट हुआ है। पार्ट्स ऑफ द सॉन्ग आर डन इन सिंगल शॉट। एक बार शुरू होने पर किसी भी हालत में डांस रुकना नहीं चाहिए, ऐसी स्ट्रिक्ट वार्निंग फराह ने सबको दे दी थी। सॉन्ग की शूटिंग उसी सेंट पॉल स्कूल में हुई थी। ऊंचाई के कारण वहां ऑक्सीजन लेवल कम था और इसके कारण डांसर्स को डांस करते समय काफी थकान महसूस होती थी, उस वजह से एनर्जी लेवल भी काफी कम हो जाता था। फिर भी सबके डेडिकेशन से एक ही टेक में शूट किया गया ये गाना बड़ा ही लाजवाब बना। मैं दीवानी दिल की रानी, गम से अनजानी। सॉन्ग की स्टार्टिंग फोटो से होती है, उसमें संजना एक दीवार के सामने पोज में खड़ी है। उसी वक्त क्रेन कैमरा उसके पास आता है और स्टडी के ऑपरेटर नितिन राव धीरे से क्रेन से उतर जाते हैं और जैसे ही संजना कैमरे को इशारा देती है तब नितिन भी संजना को फॉलो करते हैं। संजना टोन होने के बाद एक डार्क रूम से गुजरती है। वो रूम एक्चुअल में एक क्लास रूम है और जब वो दरवाजा खोलती है तो वहाँ दूसरी तरफ 45 डांसर्स मौजूद होते हैं। संजना उन डांसर्स में शामिल हो जाती है और डांस का स्टेप पूरी एनर्जी के साथ शुरू कर देती है। सेम टाइम नितिन राव ने स्टडी कैमरे की हेल्प से संजना को फॉलो करके ये वीडियो शूट किया था। इस तरह से चले जैसे हवाई सॉन्ग के पहले संजना वाले पार्ट की शूटिंग एक ही टेक में हो गई। नितिन राव एक ब्रिलियंट स्टडी के ऑपरेटर है और उनको स्पेशली इस सॉन्ग की शूटिंग के लिए बुलाया गया था। वहाँ सनसेट जल्दी हो जाता था और लाइट की कमी की वजह से टीम को पैकअप जल्दी करना पड़ता था।
पैकअप के बाद सॉन्ग की रिहर्सल की जाती थी। इस सॉन्ग को वन शॉट में कंप्लीट करने के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस और मेहनत टीम को करनी पड़ी थी। 15 दिन मुंबई में और 15 दिन दार्जिलिंग में इसकी रिहर्सल हुई थी। सॉन्ग का एक स्टेप परफेक्टली हो इसलिए फराह खान ने एक्टर्स और बाकी डांसर्स को मिरर के सामने डांस की प्रैक्टिस करवाई थी। जायद खान ने इसके बारे में एक किस्सा सुनाते हुए बताया था कि एक बार डांस करते समय उन्हें बीच में ही कट बोलना पड़ा था क्योंकि उनके बगल वाला डांसर चक्कर खाकर नीचे गिर गया था। ये बात फराह खान को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने जैद को चिल्लाकर गाली भी दे दी थी। आप को ये वाला सीन तो याद ही होगा जिसमें सिनेमा हॉल के बाहर संजना के क्लासमेट्स पर्सी को राघवन के आदमियों से बचाने के बाद मेजर राम साइकिल रिक्शा से उनका पीछा करते हैं। आपको बता दूं कि ये रिक्शा भी स्पेशल इंजन के साथ डिजाइन की गई थी। मूवी में ऐसा दिखाया गया है कि राम पैडल मारकर साइकिल चला रहे हैं लेकिन एक्चुअल में उसे इंजन द्वारा रन किया गया था। वीडियो में दिख रहा है कि मूव शॉट करना मेकर्स के लिए एक चैलेंज था। जो सीन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है ये एक स्पेशल कैमरा के सेटअप द्वारा शूट हुआ था जो सेटअप मेकर्स ने बनवाया था। उस समय बहुत सारे कैमरास एक ही लाइन में अलग अलग एंगल पर सेट किए गए थे। वो सेटअप आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। इस सीन को सही तरीके से कैप्चर करने के लिए उस लेवल की टेक्नोलॉजी भारत में तब मौजूद नहीं थी, इसलिए विदेश से उस सेटअप को मंगवाकर इस सीन को शूट करने का फैसला मेकर्स ने लिया था। टीम की कड़ी मेहनत के बाद ये एक परफेक्ट सीन बना। सोचो अगर आज की हाई टेक्नोलॉजी के जमाने में ये सीन शूट किया जाता तो उसकी लेवल क्या होती। इस पूरे एक्शन सीन को एक्चुअली मुंबई फिल्म सिटी में शूट किया गया था। फिर राम साइकिल को छोड़ देते हैं और दोनों नीचे गिर जाते हैं। उस टाइम साइकिल और राम को सेफ्टी बेल्ट्स के साथ क्रेन से लटकाते थे। इस मूवी को शूट करने के लिए क्रेन का भी इस्तेमाल किया गया था जो कि आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है। गोरी गोरी सॉन्ग के बाद मिस चांदनी पर अटैक हो जाता है। मेजर राव मिस चांदनी को बचाने के लिए बहुत सारा एक्शन करते हैं। स्क्रीन पर दिख ही रहा है कि सीन में शाहरुख खान ने रियल में सुष्मिता सेन की साड़ी में गोली मारी थी और फन की बात ये है कि सुष्मिता को इस बात का जरा भी आइडिया नहीं था कि वो ऐसा कुछ करने वाले हैं। सीन ऐसा था कि सुष्मिता के पीछे खड़े इस आदमी के पैरों पर शूट करना था तो ये रियल में गोली मार देते हैं। उसके बाद में चांदनी का ये रिएक्शन कोई एक्टिंग नहीं बल्कि उनके चेहरे पर आने वाला एक्चुअल एक्सप्रेशन था। एक्सप्रेशन ऑन माय फेस इज वेरी जेन्युइन एंड आई एम शॉक्ड आउट ऑफ माय लाइफ। इस मूवी के सभी सॉन्ग्स एक से बढ़कर एक हैं। फराह खान ने मूवी में कव्वाली भी डाली है। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें। ये एक रॉक कव्वाली है। इसके कॉस्ट्यूम स्पेशली डिजाइन किए गए थे और इसके हुक स्टेप के लिए भी फराह ने काफी मेहनत की है। स्क्रीन पर हम देख सकते हैं कि पूरी टीम किस तरह शूटिंग के टाइम फन करती थी। कल यही असाइनमेंट तुम्हें 5 बार करके लाना होगा। ये मूवी एक्शन के साथ कॉमेडी से भी भरी पड़ी है। आपको याद होगा कि इसमें एक फनी कैरेक्टर है प्रोफेसर रिचाई। ये बोलते समय सामने वाले के मुंह पर थूक का फुव्वारा मारते हैं। सतीश शाह ने ये रोल बखूबी निभाया था। उनके एक मजेदार सीन की बात करते हैं जब मेजर राम पहली बार प्रोफेसर रिचाई को क्लासरूम में मिलते हैं और प्रोफेसर उनको अपना पैर बेंच पर रखने को कहते हैं तब भोला भाला राम बेंच पर अपना पैर रख देता है और उसे प्रोफेसर की डांट सुननी पड़ती है। उस टाइम सतीश शाह ने एक्चुअल में शाहरुख के मुंह पर थूक मारी थी और शूट करते समय SRK को बार बार हंसी भी आ रही थी तो इस वजह से बहुत सारे रीटेक भी उन्हें लेने पड़े थे। ऐसा थूकने वाला रोल सतीश शाह ने करने को मना कर दिया था फिर शाहरुख खान और फराह की रिक्वेस्ट पर उन्होंने इसे प्ले किया। फराह खान ने इस मूवी के लिए काफी मेहनत की थी और ये फराह के करियर का टर्निंग पॉइंट बन गया था। एक ऐसी मूवी जिसे लोग आज भी देखना पसंद करते हैं और वो भी फैमिली के साथ। फराह खान और टीम ने मूवी की शूटिंग के लिए काफी तैयारी की थी। बड़े क्रेन्स, स्पेशल कैमरा सेटअप्स, आर्टिस्ट, डांसर्स, कॉस्ट्यूम, कैमरा ऑपरेटर्स, टेक्नोलॉजी पर ध्यान दिया गया था। इस एवरग्रीन मूवी का कौन सा सीन आपको सबसे परफेक्ट लगता है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मूवी की क्लाइमैक्स शूटिंग रूफटॉप पर की गई थी जहां स्पेशल इफेक्ट से मॉम स्पॉट को बाद में ऐड किया गया था।
मैं हूँ ना मूवी ने ऑडियंस को हंसाया भी, रुलाया भी और अपनों से प्यार करना भी सिखाया। हैप्पी बर्थडे।